तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ा of course. I feel कि आज especially कालकी के बाद बट ऑल्सो ऑब्वियसली ट्रॉम बाहुबली 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 प्री बाहुबली और पोस्ट बाहुबली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नाम ना ही इंडिया में बदला है पर पूरी दुनिया में बदला राइट right. आज भी uh, अगर मेरे कोई अमेरिकन फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं हमेशा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को हाईलाइट करता हूँ right. कि आई पर्सनली फील दैट इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक वर्क एट द सेम टाइम कैप्चरिंग मास अटेंशन पर आप तब से तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रहे हो uh, yeah. जब से बाहुबली बनी भी नहीं थी करेक्ट डिड यू नो की इट विल एक्सप्लोर दैट वे एट दैट टाइम जब बाहुबली बन रही थी ऑफकोर्स एवरीबडी हैड अ विजन Um, but I'll tell you of this one incident um, uh, um, we're shooting a movie Sarai Nodu with Alu Arjun who's my favorite person. So Bunny told me at that point you know I want to take Telugu film industry at an international level and I remember the focus and the thought that he said it with. And today with Pushpa, the kind of love he has got and with Pushpa 2 being you know so somewhere of course I think everyone had it in their minds.

अमित जीन वन फिल्म विद सो मैनी अदर एक्टर्स या शोले जब बनी या कितने मल्टीपल स्टार कास्ट वाली फिल्में बनती थी आई थिंक अभी की जो जनरेशन है ना एंड आई वोट अकाउंट माई सेल्फ आउट ऑफ दैट बट अ लॉट ऑफ पीपल आर इनसेर और कुड बी इनसे आई फील जिसकी वजह से वो मल्टी स्टार कास्टिंग नहीं हो पाती यूल सी अभी भी सिंगम बनेगी विद मल्टी स्टार बिकॉज दिस दैट जनरेशन ऑफ एक्टर्स इज़ वेरी सिक्योर ओके okay, ये जो इनसिक्योरिटी की बातें करी हमने बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ इसकी बातें करी है शो hmm. पर इंक्लूडिंग रोहित एंड ही सेड दैट ये इनसिक्योरिटी फिल्म इंडस्ट्री में ऑनटोराजर्स की वजह से एंटर हुई है हो सकता है पॉसिबल uh, है hmm. मैं ये मानता हूं कि ये सच है क्योंकि ये मैंने so पास right. से देखा right. मतलब ऑफेन दी नाइस चिल पर्सन पर उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनके कानों में दूसरी की बट यू हैव टू बी सिली टू अब्जॉर्ब एवरी थिंग ना मतलब दुनिया तो कहेगी दैट्स वोट आई वॉज कमिंग एट बहुत लोग आपको बहुत एडवाइजेस देते हैं कि ये करो वो करो बट आपका खुद का भी तो यूज योर माइंड एंड दैट्स वोट आई कम फ्रॉम एंड ऑफकोर्स यूर राइट एंड वॉट रोहित सर सैड इज प्रोबेबली राइट इसकी जो साउथ का सिस्टम है अभी भी वो ओल्ड स्कूल सिंगल मैनेजर वाला है बड़े बड़े ऑनट्राज नहीं है Uh, ऐसा नहीं है कि दस लोग आपको बोल रहे हैं यू नो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर पोजिशनिंग और दिस इज़ नॉट ग्रेट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंटेंट टू ऑफकोर्स लिसन टू दम रिस्पेक्ट दैम दे नो वॉट दे आर सेंग बट यू ऑल्सो डू वॉट यू फील इज राइट सी एज एन एक्टर यू आर द प्रोडक्ट योर एक्शन इज़ वॉट गोइंग आउट इन द पब्लिक राइट नो बडी इज गोइंग टू नो कि ये उस बंदे ने बोला था तो मैंने ऐसा एक्ट किया है या मुझे मेरे मैनेजर ने बोला था तो मैंने ये रिएक्ट किया है इट्स योर वर्ड दट इस गोइंग आउट तो एटलीस्ट आई थिंक वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू नो टेकिंग दो डिसीजन आर सेल्वस यू आर हुउंड योर सेल्फ विद आई एम अ स्ट्रोंग बिलीवर ऑफ दैट राइट सो वेदर इज्ज माई टीम वेदर इज्स माई हेयर एंड मेकअप दैट्स योर एवरी डे ऑन रज मतलब आप शायद घर में कम टाइम स्पेंड करते हो और अपने स्पॉट बॉय और हेयर और मेकअप और आपकी जो कॉर टीम है उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वॉट एनर्जी दे कैरी वट एनर्जी दे ब्रिंग इन द मॉर्निंग टू सेट सुबह सात बजे मुझे गॉसिप नहीं सुननी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट समबडी एल्स लाइफ सुबह सात बजे मुझे ये देखना है कि मैं क्या खाने वाली हूँ इसलिए आप एक खुश इंसान हो yeah! आप, आप खुश दिखते हो मैं खुश हूँ क्योंकि हम <laughs> लोग सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि आज हमारा लंच क्या है और तुम क्या लाए हो और हेल्दी और हम hmm. सब हेल्दी हैं यू नॉट बिलीव माई स्टाफ एंड मी वी वी वर्कआउट टूगेदर ऑन आउटडोर्स हम सबको था आज मैं छः बजे करके आई आज मैं पाँच बजे करके आया सो यू नो ऑल ऑफ अस हैव दैट एज अ कॉन्वर्सेशन साउथ फिल्म्स के, so, you know, के बारे में हमेशा एक डाउट मेरा ये रहा है कि एक हिंदी स्पीकर साउथ लैंग्वेजेस कैसे अडॉप्ट कर लेते या yeah, मैं तो तेलुगु में बात कर लेती हूँ आई थिंक पहले तो रट्टा मारा पहले कुछ फिल्मों में कनाडा तो आई डोंट नो बिकॉज आईव ओनली डन दैट वन फिल्म मेनी ईयर्स बैक बट तेलुगु जब मैंने शुरू किया तो आई थिंक इट वॉज़ लाइक हाउ यू क्रैमड अप हिस्ट्री आंसर्स इन स्कूल दैट्स हाउ आई क्रैम लैंग्वेज वर्ड समझते थे आपको आई यूज टू सिट विद ट्रांसलेटर जिसको मैं बोलती थी कि अच्छा ठीक है सपोज मेरी लाइन है एकड़ हेल्त नारू सपोज कहाँ जा रहे हो तो आई यूस टू वट इज एकड़ा कहाँ एल तुन्नारू जा रहे हो सो आई यूस्ट टू रिमेम्बर वर्ड्स एंड देन ईच लाइन और डायलॉग और पैराग्राफ वैसे लर्न करके डिलीवर करती थी बट देन आफ्टर अबाउट थ्री फोर फिल्म आई स्टार्टड अंडरस्टैंडिंग अ ऑफ द लैंग्वेज

तो मुझे तीन चार दिन लगे थे वापस बिकॉज वहाँ आसपास कोई था नहीं जिससे मैं हिंदी में बात करती थी तेलुगु ऑडियंस की तरफ से आपके लिए बहुत प्यार है दैट्स वॉट वी है हर पॉडकास्ट पहले रिसर्च करते हैं हम राइट तो देर इज टू माई लव फॉर यू फ्रॉम द होल तेलुगू बेल्ट या एकदम दिल के डीपेस्ट कॉर्नर से तेलुगु ऑडियंस के लिए कुछ तेलुगु में बोलो और फिर हिंदी में समझाइए कि आपने क्या बोला ओके okay. సో నా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్ యూ నన్ను ప్రేమించినందుకు నా మీ వల్ల నా డ్రీమ్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు అండ్ ఎప్పుడు చూసినా నాకు ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినందుకు ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఇట్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హిందీ Hindi was that you know, I, I don't know what to say. That I think the amount of love Telugu audiences have given me, and because of them, I could realize my dream of being an actor. And they've always given me so much love. So big thank you for that. And beyond that, I have no words. So essay clips. Channel go explore take the job or seek